अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम आपके सामने दोबारा हाजिर हैं एक और रिएक्शन वीडियो लेके। और आज हम जिस मूवी का रिएक्शन करने वाले हैं वो है एक पाकिस्तानी मूवी, द मोस्ट अवेटेड पाकिस्तानी एक्शन मूवी, जिसका नाम है जरार। जरार या जरार, जिसमें है शान शाहिद और किरण मलिक। खैर, इस मूवी को जो है कोविड की वजह से काफ़ी ताखीर का शिकार होना पड़ा है, लेकिन फाइनली अब इसका ट्रेलर दोबारा से लॉन्च कर दिया गया है और ये अब सिनेमा में आने वाली है। तो आए हम अपना ट्रेलर स्टार्ट करते हैं। Pakistanis have a nuclear capability and it is a very free one. Based on two events. अरे किधर शूट करके आए हैं, दुबई शुबई तो नहीं चले गए थे? दुबई नहीं है। Deliver Pakistan with a title of failed state and your job is done. किसी आसपास के मुल्क में तो बड़ी दहशत है, जिसका पाना वाला पाकिस्तान। Top three most wanted on the U.S. most wanted terrorists are all in Pakistan. 16 terror training camps. We need economic hitmen on the first line of defense when we go in and we try to corrupt governments. We use the state and the non-state actors to achieve the country's strategic or political objectives. हमें जहाद कश्मीर से क्या, हमने जहाद पाकिस्तान से शुरू करना। Cheers to the dark future of Pakistan. कहते हैं अगर अमन चाहते हो तो जंग की तैयारी करो। जंग कटू, हम ये जंग जीत के रहेगा। वाह क्या मारा है, वाह क्या मारा है। Zarar. I was a part of the special unit in the ISI. We are out there to eliminate the threats to the country before they happen. Pakistan is a threat, and we have the right to finish what we can't control. Unit 1, ek team ko taiyar rakhiye ki wo nikal le ya kharab kar de Pakistan ke FBI ko. Nuclear material could fall into the wrong hands. इतनी गाड़ियाँ, प्लेन्स, दिस सीम्स लाइक अ बिग बजट मूवी। पता नहीं कब, कहाँ और कैसे। I guess that's what love is. सिंह राजपूत, डेडलाइन है। आज जो अब शोर होगा। मैन डाय सर, वॉर्स डोंट डाय। सो व्हाट यू विल डू नाउ? फाइंड पीस सर, फाइंड पीस। लोडिंग 2020 डाल दिया उन्होंने एंड में। तो जनाब, इतना थ्रिलिंग और मज़े का ट्रेलर था, और मतलब इतना एंगेजिंग ट्रेलर था ये कि बस ठीक है। तो तुम बताओ, तुम जो दरमियान में कह रहे थे कि पाकिस्तान ने ये मूवी बना ली है अपनी पहली दफ़ा। मैं ये कह रहा था कि पहले इंडियंस तो बहुत बनाते हैं ना, कि रॉ ये इस तरह की, और फिर ISI को बुरा बना देते हैं या मुस्लिम्स को बुरा बना देते हैं इस तरह से। पाकिस्तान ने ये पहली दफ़ा निकाल लिया ना ISI वाली मूवी, जिसमें वो दिखा रहे हैं अपने आप को सही तरीके से।
हाँ वैसे ये है कि इंडिया ने जो है ना ऐसी बहुत सारी मूवीज उठा के ना बड़ा प्रॉफिट कमाया है, बहुत ही ज़्यादा मार्जिन उन्होंने कमाया है, लेकिन पाकिस्तान ना इस फील्ड में इस तरह की स्टोरी लाइन नहीं लेकर आता था अक्सर, कि जिसमें मतलब आप जो है इस तरह की फाइटिंग एक्शन मूवीज़ दिखाएं जो इंडिया बनाता था अपनी रॉ को लेकर। इस तरह कभी पाकिस्तान ने ISIS को लेकर तो कभी नहीं बनाई मेरे ख्याल से। तो अब जो है इन्होंने ये कदम उठाया और ये काफ़ी मज़े का ट्रेलर लग रहा है। और जो सुना था इसके बारे में कि ये पाकिस्तान की काफ़ी मज़े की और काफ़ी एक्सपेंसिव मूवी लग रही है और एक्शन मूवी लग रही है फुल ऑन, जिसमें मतलब पूरा काम किया गया, अच्छा ही किया इन्होंने, इसको कोविड में रिलीज़ नहीं किया और अब ये रिलीज़ होगी तो मुझे तो लगता है ये फुल ऑन धमाका करने वाली है। स्टोरी का क्या लगता है तुम्हें इसका? मुझे यही लगता है कि टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, पीस में लाने के लिए भी आपको वार की ज़रूरत होती है। जब तक आप वार नहीं करोगे पीस आएगा ही नहीं। ओके, इतने सारे डायलॉग मेरे कैच नहीं किए। मुझे भी यही लगता है कि जो इन्होंने दिखाया ना जहाद वाला सीन, तो ये उसी के अंदर है कि वो जहाद उन्होंने कहा हम कश्मीर में नहीं पाकिस्तान से शुरू करेंगे, तो उसको ISI को इसका पता लग गया और उन्होंने कहा कि जी चलो तुम्हें करने देते हैं हम जहाद या जो भी है। खैर तो काफ़ी मज़े का ट्रेलर लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। पता नहीं ये मुझे लगा था कि अक्टूबर में रिलीज़ होनी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ नहीं है कि कब रिलीज़ होगी, लेकिन ये एक दो महीने तक हमें है कि रिलीज़ हो ही जानी है। तो तुम इसको मतलब ट्रेलर को कितना रेट करते हो? मैं इससे 9। मेरा तो ऐसे तुम्हारा मेरा दिमाग में तो ट्रेलर के दरमियान भी सोच लिया था कि मैंने इसको जो है ना 9 रेट करना है, और साथ में ये था कि जनाब अगर मैं 9 रेट करता हूँ और ये 10 भी रेट किया जा सकता है बस, लेकिन इसकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। चले यहाँ पे हम अपने ट्रेलर का रिएक्शन एंड करते हैं और आई होप कि ये मूवी भी हम देखने जाएंगे सिनेमा में। यस यस, चलो ओके, खुदा हाफिज। मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट प्रेस टू फॉरगेट द bell icon press don't press to forget the bell icon don't forget to press the bell icon and Allah Hafiz